बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल डिस्कस करेंगे, जिनमें रिएक्शंस ऑफ फिनोल हैं ड्यू टू ओएच ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, और ये ईथर जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो आज ये इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू ओएच ग्रुप वो कौन से हैं। अब ओएच ग्रुप की मदद वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनमें पहला है साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन, इसमें जो फिनोल है इसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हाइड्रोजन जो है ये सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाती है और सोडियम फेनोक्साइड आयन बन जाता है। तो फिनोल्स रिएक्ट विद एल्कली फिनोल एसिड है, तो ये एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द साल्ट। तो आप फिनोल जो है वो वीक एसिड है, तो एसिड और जो बेस है वो मिलकर साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो सोडियम फेनोक्साइड आयन जो है वो सोडियम फेनोक्साइड बनता है। दिस इज कॉल्ड द साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो ओएच ग्रुप की मदद से है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन जो है वो ये यहाँ से ओएच ग्रुप जो है ये ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो गया। आगे है जी एस्टर फॉर्मेशन। इसी रिएक्शन की में सेकेंड रिएक्शन है ओएच ग्रुप जिनमें इन्वॉल्व है उसमें है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर अब क्या होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं एस्टर। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द एस्टर ग्रुप। अब फिनोल जो है जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो विद एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये साथ क्लोराइड लगा है, तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से जो है वो ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, हाइड्रोजन और सीएल आपस में मिलकर एचसीएल बना देंगे, और ये यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो फिनोल की ऑक्सीजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। एस्टर कैसे है, ये इसका आर है, ये जो सी एच थ्री है ये आर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये ओ हो गया, और ये सारा जो बेंजीन है ये आर है। तो मैंने आपको बताया एस्टर का क्या फार्मूला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो यहां से एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको हम एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू फॉर्म द एस्टर, ये एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद जिंक। जिंक के साथ जो है वो किस तरह से रिएक्शन होता है, फिनोल जो है ये जिंक के साथ रिएक्शन देते हैं, यहां से जो है वो जेड एन ओ बन जाता है और हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रह जाती है, बेंजीन इस कार्बन के जो है वो बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं, हाइड्रोजन जो है उसके साथ लग जाती है और यहाँ से जेड एन ओ निकल जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शन विद जिंक, के जिंक के साथ रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हो गया। तो ये सारे वो रिएक्शन थे जिनमें जो है वो सिर्फ ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व था फिनोल का। अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें जो है वो पूरा बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, वो कौन से रिएक्शन है। इनमें है फिनोल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एज फॉलोज। फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के साथ जो है वो फिनोल रिएक्ट करता है। पहला रिएक्शन है फिनोल का नाइट्रिक एसिड के साथ, एच एन ओ थ्री के साथ जो है वो रिएक्शन है। इसमें जो है हमें पता है, हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो ये आर दो पैरा डायरेक्टर है। आर दो पैरा डायरेक्टर हमने देखे थे, वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको आर दो और पैरा पोजीशन की तरफ अटैच करते हैं, आर दो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ये हमने 9 चैप्टर में पढ़े हैं आर दो एंड पैरा डायरेक्टर्स। तो जो OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो इसको हम आर दो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं, ये इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को आर दो और पैरा पोजीशन पे अटैच करवाते हैं। ये वाली पोजीशन जो है वो आर दो है और ये वाली पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे आर दो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये आर दो नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है।
तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, तो इसमें अब क्या है, बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई है और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग गया है, इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया है। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन कैरी आउट करें तो आपके पास आर्दो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, लेकिन अगर आप ये रिएक्शन ऑन हीटिंग पे कैरी आउट करें, हीट करें, तो फिर आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है, जिसको पिक्रिक एसिड भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, और ये कार्बन नंबर 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 2,4,6 पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई इसको कहा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको पिक्रिक एसिड भी हम कहते हैं। तो अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रेशन रिएक्शन कैरी आउट करें विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो आर्दो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, लेकिन अगर आप यही रिएक्शन जो है हीटिंग पे कैरी आउट करें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है HSO3 ग्रुप जो है ये आर्दो और पैरा पोजिशन पे लग जाएगा, बिकॉज ये जो OH ग्रुप है ये आर्दो पैरा डायरेक्टर है, जो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है ये आर्दो और पैरा डायरेक्टर है, ये इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को आर्दो और पैरा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आर्दो और पैरा पोजिशन पे अटैच होते हैं, मेटा पोजिशन पे अटैच नहीं होंगे। तो ये आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है। आगे है जी हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन में आप हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाया गया है, ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है, तीनों पोजिशन पे जो है वो ब्रोमो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। तो जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के, तो ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं फिनोल का तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है जी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने पिछले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल करवाएं, क्योंकि यहाँ पे फिनोल बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एड हो सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के एड हो जाए तो ये साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा। ये साइक्लो 6 कार्बन है और उसके ऊपर OH भी अटैच है, तो इसको आप कहेंगे साइक्लोहेक्सानोल। तो ये रिएक्शन से जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है उसमें हमने जो है वो नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन रिएक्शन देखा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखा और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखा। अब जो है वो रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विद फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है फिनोल का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह से आ जाता है कि प्रिपेयर बेकलाइट विद द हेल्प ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड एंड फिनोल। ये बेकलाइट, ये जो हमारे पास पॉलीमर बनता है, दिस इज कॉल्ड द बेकलाइट। अब इसमें क्या है, आप फिनोल लेंगे, ये फिनोल है और ये जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, HC डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्डेड है और दोनों साइड पे कार्बन के हाइड्रोजन है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे फॉर्म एल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो क्या होगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए यही वाला ग्रुप है CH2 और O, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आई, जब ये इसका कार्बन के पास हाइड्रोजन जो मौजूद थी वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये CH2OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसको आप कहते हैं आर्दो हाइड्रोक्सी, ये आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये सारा ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन के साथ CH2OH जब लगा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अब इसकी आर्दो पोजिशन पे चूंकि हाइड्रोक्सी लगा है तो इसको हम कहेंगे आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आर्दो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी बनता है बिकॉज OH ग्रुप जो है वो आर्दो पैरा डायरेक्टर है, तो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल दोनों की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो उन्होंने यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल्स लिए थे। अब नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हमारे पास मैनी नंबर ऑफ एन मीन मैनी, कोई भी नंबर हो सकता है, मैनी नंबर ऑफ फिनोल हो और मैनी नंबर ऑफ आपके पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हों, तो ये जो है वो आपस में पॉलीमराइज होते रहते हैं, रिएक्शन चलता रहता है,
और जिसके नतीजे में आपके पास ये बैकलाइट जो है वो पॉलीमर बनता है। ये एक मॉलिक्यूल जो है वो ये होगा, दूसरा मॉलिक्यूल और जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का, तो यहाँ एक से हाइड्रोजन निकलेगा, एक से OH निकलेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, इधर भी CH2 आ जाएगा, तो ये डिफरेंट आपस में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल पॉलीमराइज होते हैं और एज अ रिजल्ट पॉलीमर बनता है, दैट इज कॉल्ड द बैकलाइट। तो ये पेपर में प्रिपरेशन आ जाती है, हाउ यू कैन प्रिपेयर बैकलाइट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हैं वो आपने इसमें से कर लेने हैं। हम देख लेते हैं स्मार्ट सिलेबस में हमारे चैप्टर नंबर 11 के जो हैं वो कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड हैं। उसमें ये सारे टॉपिक्स हमने जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, यूजेज ऑफ अल्कोहल पढ़ लिए, फिनोल पढ़ लिए। ठीक है, अब क्लास वर्क में इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इंक्लूड, इसके ये पार्ट्स जो है वो इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और नाइन्थ पार्ट इंक्लूड है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, ये सारे इंक्लूड है। इसके अलावा जो होमवर्क में आपके इंक्लूड नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड है, होमवर्क हो या क्लास वर्क हो, ये सारे इंक्लूड हैं, आपको ये पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, तो ये सारे कर लेने हैं, ये सारे हमने जो है वो पढ़ लिए हैं चैप्टर के अंदर, तो ये आपने सारे कर लेने हैं। चलें लेक्चर आज का हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।